climb every mountain. इसके नरेटर हैं शर्मिला गणेश राम। इस स्टोरी में बताया गया कि लोग अक्सर मार्क इंग्लिश से पूछते हैं कि अगर उनकी हाइट और होती या उनकी और बड़ी हाइट होती तो और अच्छा होता, जिस पर उनका रिप्लाई आता है कि हाँ मैं छोटा हूँ, मेरी जो हाइट है वो और वो पहाड़ पर चढ़ते वक्त छोटी हो जाती है, लेकिन बाकी कामों के लिए मेरी हाइट जो है वो बराबर है, ठीक ठाक है, परफेक्ट है। मार्क इंग्लिश जो है वो न्यूजीलैंड के नागरिक हैं और इनके जो जो पैर हैं, जो इनकी हाइट के बारे में बात की गई है, इनके पैर जो है वो 1982 के दुर्घटना में काट दिए गए थे, खराब हो जाने के कारण उनके पैरों को काट दिया गया था। तब से वो प्रोस्थेटिक लेग्स यानी कि तब से वो अपने आर्टिफिशियल लेग्स के सहारे वो अपनी लाइफ जी रहे हैं। ये सब तब हुआ जब वो 23 ईयर्स ओल्ड थे और वो एक रेस्क्यू माउंटेनियर थे। वो माउंटेन कुक पर कहीं फंस गए थे लोगों को बचाते बचाते, और वो किसी एक आइस के किसी गुफा में फंस गए थे 13 दिन वहाँ पर रहने के कारण। और बाद में जब उन्हें रेस्क्यू किया गया तो उनके जो दोनों पैर है वो बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो गए थे, खराब हो गए थे, जिस कारण उन्हें काटना पड़ा और उनके पैरों की जगह पे नकली पैर लगा दिए गए। इसके अलावा वो कहते हैं कि आज ऑलमोस्ट 30 साल बाद वो पहले ऐसे आदमी हैं जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा हो, मतलब वो पहले ऐसे आदमी थे जिनके दोनों पैर जो है वो काट दिए गए थे, वो उन पे नकली पैरों के सहारे वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े, और वो पहले ऐसे आदमी हैं। और इसके अलावा वो दूसरे ऐसे आदमी हैं जो कि माउंट जो ओयू पर चढ़े थे, डबल एम्प्यूटेड पर्सन में। और इसके अलावा वो सिर्फ 3/4 तक का ही पैंट पहनते थे, क्योंकि उन्हें प्रॉब्लम होती थी कि वो बार बार अपना पैंट ऊपर करके अपने प्रोस्थेटिक लेग्स आर्टिफिशियल लेग्स को बराबर करें, इसलिए वो 3/4 पैंट ही पहनते थे। और आज जो है वो अबाउट 51 ईयर्स ओल्ड होने के बाद वो जो है एक मोटिवेशनल लेक्चर्स लोगों को देते हैं, वो कॉरपोरेट स्कूल्स और जो भी उनसे कुछ मोटिवेशन प्राप्त करना चाहे, इंस्पिरेशन प्राप्त करना चाहे, तो उन सभी को अपना मोटिवेशनल लेक्चर सुनाया करते हैं। और वो कहते हैं कि डिसेबिलिटी जो है वो सिर्फ एक स्टेट ऑफ माइंड है। उन्होंने बताया वो जब ताज के लॉबी के पास बैठे हुए थे, आसपास के सभी लोग उनके पैरों की तरफ देख रहे थे, उनके प्रोस्थेटिक और नकली पैरों की तरफ देख रहे थे, तब उन्होंने अपने बारे में बताया और उन्होंने कहा कि ये सब जो है तब स्टार्ट हुआ, स्कूल के वक्त से स्टार्ट हुआ, जब जिसमें वो रबी एक तरीके का गेम है जिसमें वो बहुत बुरे थे, उन्हें रबी ज़्यादा अच्छे से नहीं आता था, और उस वक्त में 1970s के वक्त में न्यूजीलैंड में जिससे भी रबी का गेम अच्छे से खेलने के लिए नहीं आता था, उसके पास दूसरा ऑप्शन यही होता था कि वो माउंटेनियरिंग में चले जाए। तो जो मार्क इंग्लिश है वो भी माउंटेनियरिंग में चले जाता है, उसके टीचर बर्ट उन्हें माउंटेनियरिंग के लाइन में उन्हें घुसा देते हैं और माउंटेनियर बनाने की कोशिश करते हैं। बाद में ये जो मार्क इंग्लिश है वो माउंटेनियरिंग का जो प्रोफेशन है उसमें बहुत ही स्किल्ड हो गए और उन्हें माउंटेनियरिंग में बहुत मज़ा आने लगा, वो एक रेस्क्यू माउंटेनियर बने, प्रोफेशनल बने, और अब वो लोगों की मदद करने लगे थे। और साथ में वो हर एक एडवेंचर सीकर जिसे भी एडवेंचर पसंद है वो उन जैसे लोगों को पसंद किया करते थे। वो कहते हैं कि उन्होंने माउंट एवरेस्ट को एज अ स्टेपिंग स्टोन देखा था, उन्होंने माउंट एवरेस्ट को अपने सक्सेस की एक चोटी देखा था कि अगर वो उस पर चढ़ जाएंगे तो उन्हें उनके लाइफ की सक्सेस मिल जाएगी, लेकिन उसे चढ़ने के लिए उन्हें 25 साल तक का इंतजार करना पड़ा, वो भी उस बुरे हादसे के कारण जो कि 1982 में हुआ था। तो मार्क इंग्लिश जब वो बताते हैं कि उस वक्त क्या हुआ था, वो आइस केव यानी कि एक ठंडी से गुफा में फंस गए थे अपने एक माउंटेनियर फ्रेंड के साथ जिनका नाम फिलिप ड्यूल था। उन दोनों के बीच में सिर्फ 5 कुकीज बचे हुए थे और वो दोनों जो है वो पर डे हाफ हाफ कुकीज पे ही सस्टेन कर रहे थे। उस वक्त में -20 डिग्री के आसपास का एल्टीट्यूड था और ये जो ऐसा टेम्परेचर है इसके हिसाब से उन लोग के बॉडी से इतनी कैलोरीज बर्न हो रही थी जितना कि एक रेसिंग साइकिलिस्ट जो रेसिंग करता है, जो साइकिल चलाते रेसिंग साइकिलिस्ट जो है उनके शरीर से जितनी कैलोरीज बर्न हो रही होती उतना ही कैलोरी इनके बॉडी से भी फिलहाल बर्न हो रहा था। और इसी की वजह से जो मार्क इंग्लिश का जो वेट है वो 70 kg से 39 kg पे आकर के ड्रॉप हो गया। उन्होंने बताया कि यहाँ पर लास्ट टाइम कोई जो आदमी फंसा था वो आखिरी 9 days के लिए फंसा था, लेकिन वो लोग 13 days के लिए फंस गए थे। उन्हें 7th day पर हेलीकॉप्टर ने आकर के उन्हें फूड यानी कि फूड ड्रॉप कर दिया,
टिफिन बैग, प्रीमस एंड रेडियो, यानी कि कुछ खाने पीने का सामान और सोने सोने होने के लिए कुछ सामान दे दिया गया और रेडियो ला करके दे दिया गया ताकि वो कुछ दिन और सस्टेन कर सके। और आखिरकार 13 डे में उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया। लेकिन सबसे बुरी बात जो मार्क इंग्लिश के लिए थी कि उनका जो दोनों पैर थे वो एकदम से चोटिल हो गए थे, खराब हो गए थे और उन्हें काटना पड़ा। बाद में जब वो ठीक हो गए तो उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो अपने माउंटेनियरिंग को वापस से कंटिन्यू कर लें, लेकिन उनके स्टार्टिंग के पेनफुल अटैम्प्ट और साथ में फ्रस्ट्रेशन के वजह से उन्होंने चालू नहीं किया और उन्होंने सोचा कि एक ब्रेक ले लेना चाहिए हमें माउंटेनियरिंग से। तो उन्होंने एक ब्रेक ले लिया और साथ में इसी दौरान में उन्होंने एक डिग्री हासिल की, डिग्री इन ह्यूमन बायोकेमिस्ट्री, जो कि 10 साल के दौरान उन्होंने की जब वो वाइन मेकिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व हो गए थे। इसी के दौरान उन्होंने ट्राइंग और साइकिलिंग, जो कि सिडनी 2000 पैरालंपिक्स का जो गेम था उसमें ट्राइंग एंड साइकिलिंग के ब्रांचेस में इन्होंने सिल्वर मेडल पाया और साथ में अपना और अपने देश का नाम गर्व से रोशन किया। इसके बाद मार्क इंग्लिश बताते हैं कि अब वो डे बाई डे और अच्छे तरीके से चलना सीख रहे थे और अब उन्होंने पहले तो माउंट रॉकी माउंटेन को एज से वापस से अपना जो प्रोफेशन था माउंटेनियरिंग का उसे स्टार्ट करने की कोशिश की उन्होंने 2002 से, लेकिन वो पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाए कुछ कारणों के कारण। इसके बाद में उन्होंने 2004 में माउंट कुक को अपने प्रोस्थेटिक लेग्स के जरिए चढ़ाई की और वो सक्सेसफुल रहे। इसके बाद उन्होंने माउंट जो ओयू का जो समिट है उस पर भी उन्होंने जीत कायम किया और वो पूरी ऊंचाई पर चढ़े, जो कि सिर्फ 649 मीटर माउंट एवरेस्ट से कम था। और अब उनमें कॉन्फिडेंट आ गया था कि हाँ, अब वो आसानी से माउंट एवरेस्ट पर भी चढ़ सकते हैं। और उन्होंने 2006 में आखिरकार अपना मिशन सेट किया और उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की पूरी कोशिश की और साथ में वो सक्सेसफुल रहे। वो बताते हैं कि इस दौरान उन्हें कई दिक्कतें हुई, कई कठिनाइयाँ हुई, लेकिन उन्होंने हौसला नहीं हारा और वो सक्सेसफुल रहे और माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर उन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया। मार्क इंग्लिश ने बताया कई बार रास्तों के दौरान में उनके जो प्रोस्थेटिक लेग्स थे, जो आर्टिफिशियल लेग्स थे, वो कई बार निकल जाते थे, लेकिन वो कहते हैं कि ऐसे लेग होने का एक ये भी फायदा है कि आप कभी भी उन्हें आसानी से फिक्स कर सकते हैं, उन्हें वापस से बैठा करके आप आगे चल सकते हैं। लेकिन इसी कारण से उन्हें 3 गुना ज़्यादा टाइम लग गया था दूसरे नॉर्मल लोगों के कंपेरिजन में। लेकिन उनके ये जो सारे सक्सेस और जो एक्सपीरियंस है वो सब बुलेट पॉइंट में कन्वर्ट हो गए। वो इन सभी को अपने मोटिवेशनल टॉक्स में लोगों को बताया करते हैं और वो कहते हैं कि माउंटेनियरिंग जो है वो एक मेटाफॉर है, लाइफ का एक सिंबल है। और वो कहते हैं कि माउंटेनियरिंग करना एक बहुत इसेंशियल और इम्पोर्टेंट थिंग है किसी के भी लाइफ में। वो अपने लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अक्सर अपनी एक फ़ोटो लोगों को दिखाते हैं जिसमें वो माउंट एवरेस्ट को चढ़ रहे होते हैं और वो अपने ऑडियंस से पूछते हैं आप इसमें क्या देख रहे हो, और बाद में वो खुद जब बाद में वो आंसर देते तो वो कहते हैं कि इसमें आप उस आदमी को देख रहे हो जिसके दोनों पैर खराब हो गए हैं और वो नकली पैरों पर माउंट एवरेस्ट को चढ़ रहा है, लेकिन मैं उस आदमी को देख रहा हूँ जिसके अब पैर जो है वो क्रॉस बिटन, यानी कि अब उसके पैरों पे कोई चोट वोट नहीं लग सकती, उसके पैर अब कभी डैमेज नहीं हो सकते और वो कहीं पर भी आसानी से आ जा सकता है। और अब जो मार्क इंग्लिश है वो दुनिया में एक बहुत ही बड़े मोटिवेशनल लेक्चरर माने जाते हैं। इसके साथ ही वो हर साल ट्रीक्स और नॉर्थ पोल के अलग अलग पार्ट में माउंटेन हाइकिंग को इंजॉय करने के अक्सर जाते हैं। और उन्होंने इस स्टोरी में ये भी बताया है कि वो अपनी जो अपने प्रोस्थेटिक लेग पे 3/4 का ही पैंट पहनते थे, तो कभी भी फुल पैंट नहीं पहनते थे, हमेशा 3/4 पहनते थे। इसका एक डीपर रीज़न था क्योंकि वो अपने पैंट को बार बार ऊपर नीचे करके अपने पैरों को एडजस्ट उन्हें करना पड़ता है, तो इस वजह से उन्हें प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो अब 3/4 का पैंट ही पहनते हैं, वो उसी में अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं। और इसी के साथ उनकी जो लाइफ है वो एक तरह की मोटिवेशन में कन्वर्ट हो गई है। फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको हमारे ये वीडियो का, इस स्टोरी का एक्सप्लेनेशन, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़